लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में मैं निर्मला कुमारी फिर से आपके साथ हूँ। हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी का 7th यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं आपके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। आज हम लोग इस यूनिट का पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को देखेंगे। आइए हम लोग समझते हैं जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स जो है कलेक्टिव स्टडी है हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। जेनेटिक्स में हम लोग जीन के विषय में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में हम लोग क्रोमोसोम्स के विषय में पढ़ते हैं, यानी जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है हेरिडिटी और वेरिएशन, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये टर्म जो है, जेनेटिक्स टर्म जो है W. बेटसन के द्वारा दिया गया था, इसको याद रखेंगे आप लोग। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेनेटिक करेक्टर का ट्रांसमिशन को आप हेरिडिटी कहते हैं। तो जेनेटिक करेक्टर क्या होता है? जेनेटिक करेक्टर कोई भी आपका बॉडी करेक्टर हो को आप जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। बॉडी करेक्टर यानी आपका जैसे आँखों का कलर हो गया, आपका स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपका जो होता है फेस कट हो गया, नो आपका है सो नाक का शेप, ये सब क्या होता है? जेनेटिक करेक्टर होता है। और ये जेनेटिक करेक्टर डिटरमाइंड बाय डीएनए और जीन। ये डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम के ऊपर रहता है। आप जानते हैं संतान में जो होते हैं आधे क्रोमोसोम माता से आते हैं, आधे क्रोमोसोम पिता से आते हैं, यानी हम संतान में दोनों के क्रोमोसोम हैं। इसलिए जो होता है संतान जो होता है अपने माता पिता से समानता प्रदर्शित करता है। तो हेरिडिटी इज़ द रिजेम्बलेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो ये जो समानताएँ हैं संतान का जो पेरेंट्स के साथ समानता है वह हेरिडिटी के वजह से होता है। एट द सेम टाइम क्या होता है जो आपका संतान है वो अपने माता पिता से सो डिफर करता है। तो इसका कारण क्या है? भिन्नता, वेरिएशन। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और एक चीज़ आप चिल्ड्रन जो होता है रिजेंबल करता है अपना पेरेंट्स को, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, कार्बन कॉपी नहीं होता है। कार्बन कॉपी का फॉर्मेशन कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनते हैं। तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनने से क्या होता है? वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशन का राज किस में छुपा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जेनेटिक करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं बिकॉज मेंडल वॉज द फर्स्ट हु डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी मेंडल वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जो जेनेटिक करेक्टर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। मेंडल ने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत सारे काम किए थे। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। एक गरीब परिवार, गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा बर्नो जो ऑस्ट्रिया में है वहाँ के मॉनेस्ट्री में हुआ था। मॉनेस्ट्री मठ जो आप लोग कहते हो चर्च में जो मॉनेस्ट्री होती है वहाँ पे हुआ था, जो अब चेकोस्लोवाकिया में है। ही स्टडीड साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। उन्होंने नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने बताया कि ये जो होता है चर्च में, वहाँ चर्च में रहते थे
वहाँ के वो के जब उन्होंने फादर चर्च में जो फादर्स होते हैं तो जब उन्हें फादर की उपाधि मिली तब जो होता है उनके नाम के आगे ग्रेगोर वर्ड है सो जुना जुटा। तो वो मठ में रहते वही मोनेस्ट्री में रहते थे, वहीं पर है सो बच्चों को पढ़ाते थे और वहाँ पे एक प्लॉट था जहाँ पर है सो वो अपना है सो एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर उन्होंने किया। करीब 7 सालों तक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने है सो दिया। मेंडल पहले साइंटिस्ट थे, व्यक्ति थे जिन्होंने जो होता है मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल प्रोबेबिलिटी को स्टैटिक्स को कहिए बायोलॉजी में उन्होंने यूज़ किया अप्लाई किया। He died on 6 January 1884 में without getting any recognition for his work during his lifetime. Mendel's ने पी प्लांट पर बहुत मेहनत किया और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया लेकिन उनके काम को उनके जीते जी पहचान नहीं मिली क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस समय के लोगों से कहिए इतना हाई था कि लोग उनकी बातों को कहिए समझ ही नहीं पा रहे थे। अगर जैसे मान लो हमें हवाई जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ हो और हम कहें कि हम ऐसा गाड़ी बनाएंगे ऐसा है सो व्हीकल बनाएंगे जो आसमान में उड़ेगा तो लोग मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही मेंडल के साथ हुआ था। मेंडल्स की मृत्यु के 16 साल बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 3 वैज्ञानिकों ने उन्हीं के काम को रिडिस्कवर्ड किया जो अलग अलग जगह के थे। हॉलैंड के ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस जर्मनी से थे और शेरमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे, उन वैज्ञानिकों ने मेंडल्स के ही काम को रिफाइंड किया, फिर से जो कहिए उन्हीं के काम को उन्होंने रिफाइंड किया। तो उन्होंने अपने काम का क्रेडिट जो है मेंडल्स को दिया। उन्होंने देखा कि जो हम काम कर रहे हैं वो तो 34 साल पहले किसी अन्य वैज्ञानिक के द्वारा कर दिया गया है तो उन्होंने इस काम को क्रेडिट जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को है सो दिया और उसी समय जो होता है उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि फॉग की उपाधि दी गई। अब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ जेनेटिकल टर्म हैं उनसे परिचित हो जाते हैं जिससे क्या होगा हमारे आगे की पढ़ाई सरल हो जाएगी। तो पहला जो टर्म है वो है फैक्टर। मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन। मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट पर 7 वर्षों तक काम किया था। तो मेंडल जो है कि जरूर ऐसा कुछ है, देयर इज समथिंग जो स्टेबली पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जरूर ऐसा कुछ है, कोई चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है और वो जेनेटिक करेक्टर को कंट्रोल करती है। तो मेंडल को नहीं मालूम था कि वो जीन है तो मेंडल ने उस समय उसे क्या नाम दिया, फैक्टर। यानी फैक्टर कुछ नहीं है, नथिंग बट इट इज़ जीन। तो जीन क्या है, नावडेज वी कॉल देम एज जीन, फैक्टर ही जीन है आपका। तो जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, इट इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन बनाता है ना, यानी कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन में उसको हम लोग ऐसा जीन कहते हैं। इट इज़ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपियरेंस ऑफ कैरेक्टर एंड देयर इनहेरिटेंस। जो भी गुण होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। यानी जो पैतृक गुण है, जो भी करैक्टर है वो कंट्रोल होते हैं बाय डीएनए के द्वारा। डीएनए किसके ऊपर रहता है, क्रोमोसोम के ऊपर रहता है। हमने जैसा बताया कि आधे क्रोमोसोम जो भी संतान है उसमें आधे क्रोमोसोम आते हैं पिता से, आधे क्रोमोसोम आते हैं माता से। इसलिए जो है संतान अपने माता पिता से समानता प्रदर्शित करता है। एलील्स, अब हम लोग जानेंगे एलील्स क्या होते हैं। जीन्स विच कोड फॉर द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रैट आर नोन एज एलील्स। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। इसको हम एग्जांपल के द्वारा आपको अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आप होमोलोगस क्रोमोसोम देख रहे हो, है ना, हमने बताया एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है, फादर से आता है। एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर से आता है। तो दोनों क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। दोनों क्रोमोसोम का जो होता है सेप साइज सब एक जैसा है। और यहाँ ये एलील्स क्या होता है,
अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन, एक ही करेक्टर को कोड करने वाले जीन का अल्टरनेट फॉर्म है, एक ही करेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन का अल्टरनेट फॉर्म है। मान लो एक करेक्टर है हाइट, है ना, तो हाइट को कंट्रोल किया जा रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी के द्वारा, दोनों जो है जीन ही है और वो एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ हाइट। यानी एक करेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन जो विभिन्न रूप है उसको आप क्या कहिएगा, एलील्स कहिएगा। एलील्स, एलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। टी एंड टी आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। टी और टी क्या है, दोनों एलील्स है और वो कोड कर रहा है एक ही करेक्टर, दैट इज हाइट को। और जो एलील्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं और करेक्टर को कोड करते हैं, यानी कोई भी करेक्टर के लिए जो एलील्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। आपका अल्टरनेट फॉर्म है सेम जीन का, जो एक ही करेक्टर को कोड करते हैं। ट्रेट, ट्रेट क्या है, फिनोटाइप, बाहर से जो आपको हिस्सों दिख रहा है जो करेक्टर, वो आपका ट्रेट है। जैसे मान लो एक हाइट है ना, हाइट क्या है, आपका करेक्टर है, तो हाइट आपका छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो फिनोटाइप यानी जो दिख रहा है, हाइट जो है आपका लंबा भी हो सकता है नाटा भी हो सकता है। तो ये हाइट का दो ट्रेट हो गया, आपका आपका लंबा लंबा और नाटा। उसी तरह आप इसको समझिए, इनहेरिटेबल करेक्टर है कलर ऑफ पेटल। कलर ऑफ पेटल क्या है, आपका एक करेक्टर है तो उसके ट्रेट आपका कुछ भी हो सकता है। कलर ऑफ पेटल आपका रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, यानी ट्रेट आपके एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये आपका बाहर से दिख रहा है कलर ऑफ पेटल कैसा है, कैसा है, रेड है, पिंक है, वाइट है। हाइट कैसा है, टॉल है, ड्वार्फ है। उसी तरह मेंडल जो है आपका जो पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया था और उसमें जो होता है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को उन्होंने अध्ययन किया था। तो पी का प्लांट जो था वो लंबा भी था नाटा भी था। पी का जो मटर था वो आपका गोल भी था और आपका हिस्सा झुर्रीदार भी था। पी का जो मटर का दाना का कलर जो था, कलर कलर एक करेक्टर हो गया, कलर आपका जो था पीला था और कैसा था, ग्रीन था। तो पीला और ग्रीन क्या हो गया, ट्रेट हो गया। कलर क्या हो गया, आपका करेक्टर हो गया। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में क्या होता है, बोथ द एलील्स आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म इन विच द मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स आर डिफरेंट आर सेड टू बी हेट्रोजाइगस। जैसे टी, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, टी जो होता है हम हाइट को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ देख रहे हो ये क्या है, एलील्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्या है, एलील्स है और इस सेम करेक्टर को कोट कर रहा है जो हाइट है। तो यहाँ जो दोनों एलील्स जो हैं क्या है, डिफरेंट है, ये आपका कैपिटल टी है, ये आपका स्मॉल टी है। तो जब एलील्स डिफरेंट होते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। और होमोजाइगस में क्या होगा, बोथ द एलील्स आर अलाइक, दोनों एलील्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए टी टी है ना, कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। तो इसमें दोनों एलील्स क्या है, सेम है। दोनों यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है, यहाँ पर क्या है, दोनों स्मॉल टी है। तो ये जो होता है आपका होमोजाइगस होगा, है ना। दोनों होमोजाइगस में क्या होता है, दोनों एलील सेम होते हैं। डोमिनेंट जीन, द जीन विच एक्सप्रेस इट्सेल्फ इन हेट्रोजाइगस स्टेट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन, इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है यानी दोनों एलील जो होता है डिफरेंट होते हैं, तब क्या होता है, ये वह जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको जो होता है हम लोग उसे डोमिनेंट जीन कहते हैं, और ये जो होता है कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाया जाता है। और रिसेसिव जीन कब कहेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम लोग है सो रिसेसिव जीन कहते हैं, और इट इज़ इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर। इस पूरे चीज़ को यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आप देख रहे हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी बोथ द एलील्स आर डिफरेंट, दोनों एलील्स क्या है, डिफरेंट है, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है। तो यहाँ पे क्या है, एक जीन जो एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट जीन कहेंगे, और जो जीन एक्सप्रेस नहीं करता है, जो सप्रेस कंडीशन में रहता है, उसको रिसेसिव जीन कहेंगे। तो यहाँ कैपिटल टी क्या है, आपका डोमिनेंट जीन हो गया, और आपका रिसेसिव जीन हो गया। स्मॉल टी क्या है, आपका रिसेसिव जीन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं टी इज़ डोमिनेंट ओवर टी,
यानी टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर रिसेसिव। नेक्स्ट टर्म है जीनोटाइप। जीनोटाइप इट इज़ द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जीनोटाइप कहलाता है, यानी जेनेटिक कन्फिग्रेशन, यानी जेनेटिक बनावट, यानी कितने तरह के जीन प्रेजेंट हैं, तो वो जो होता है जीनोटाइप कहलाता है। तो यहाँ देखिए आपका TT, कैपिटल TT, आपका कैपिटल T, स्मॉल T, स्मॉल TT, तो ये जो होता है जीनोटाइप कहलाएगा, है ना। यहाँ पे जीन क्या है, दोनों डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन है तो दूसरा जो होता है रिसेसिव जीन है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील है और दूसरा जो होता है रिसेसिव एलील है। एलील कहिए जीन कहिए दोनों एक ही बात है। फिनोटाइप, फिनोटाइप जो होता है ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट इट्स फिनोटाइप, जो बाहर से दिखता है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो बाहर से आपको दिख रहा है जो, वो आपका फिनोटाइप कहलाता है। फिर से इसी एग्जांपल को लेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो TT, कैपिटल T, स्मॉल T, दोनों स्मॉल T है, तो ये जीनोटाइप, आप तो ये जीनोटाइप देख रहे हैं, इसमें क्या है, दोनों डोमिनेंट जीन है, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये टॉल होगा, है ना, और ये आपका ये भी टॉल होगा और ये आपका ड्वार्फ होगा, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल होगा क्योंकि बोथ द एलील्स आर सेम। ये आपका ये टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस है, यानी एलील्स आर डिफरेंट, और ये आपका होमोजाइगस ड्वार्फ होगा, दोनों जो होता है रिसेसिव जीन है, दोनों रिसेसिव जीन है, ड्वार्फ होगा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट फॉर 7 years एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, यानी पाइसम सटाइवम पर, और उन्होंने जो होता है अपना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, निश्चित रूप से जरूर उसमें उन्होंने कुछ विशेषता दिखी होगी, तो हम लोग देखते हैं वो क्या है। इट इज़ द एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड कैन बी स्टडीड इन ए स्मॉल ड्यूरेशन। पी प्लांट का जो होता है लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा होता है, 3 से 4 महीने का होता है, तो 1 साल में जो होता है आप ऐसे 2-3 जनरेशन कहिए मेंडल ने स्टडी कर पाए थे, इसलिए जो होता है उन्होंने जो होता है पी प्लांट को सेलेक्ट किया। और पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो वहाँ जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों संभव था। तो पी फ्लावर्स जो होता है में प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, यानी एबिलिटी टू कंट्रोल क्रॉसिंग, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ऐसा सुविधा है पी प्लांट के फ्लावर में, आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एबिलिटी टू ग्रो क्विकली एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जैसा कि बताया कि उसका काफ़ी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है पी प्लांट का, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और जो वो ऑफस्प्रिंग देता है यानी कहिए सो मटर के दाने जो बनते हैं वो काफ़ी भारी संख्या में होते हैं। अगर मान लीजिए सो कुछ कारणवश मटर के दाने वो ऑफस्प्रिंग ख़राब हो गए तो आपका एक्सपेरिमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी काफ़ी लार्ज सैम्पलिंग साइज है पी प्लांट का, इसलिए जो था उन्होंने इसको सेलेक्ट किया। साथ ही साथ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पी प्लांट में, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को देखा। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है, विपरीत गुण को देखा। जैसे मटर का जो पौधा है वो है सो लंबा भी है, कुछ मटर के पौधे क्या है छोटे भी है, स्मॉल हाइट वाले हैं, तो उन्होंने जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को देखा था उस, तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, स्टेम हाइट है ना, तो स्टेम हाइट टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, फ्लावर का कलर वॉयलेट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल यानी अराउंड द स्टेम हो सकता है, और टर्मिनल यानी एकदम टर्मिनल पोजीशन पे होगा फ्लावर का पोजीशन, पॉड का शेप यानी जो मटर की फली है उसका शेप कैसा होगा, इन्फ्लेटेड यानी फुला हुआ होगा या कंस्ट्रिक्टेड इस तरह से जो दबा दबा रहता है, पॉड का कलर आपका ग्रीन भी देखा गया, येलो भी देखा गया, सीड शेप राउंड भी हम लोग देखे हैं, रिंकल्ड भी देखे हैं, सीड कलर येलो और ग्रीन दोनों देखा गया। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो होता है पी प्लांट में
देखने को मिला, इसलिए जो होता है मेंडल्स ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। इसी चीज़ को फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। तो वही वही सातों जो होता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को दिखाया गया। तो यहाँ देखो इस लाइन में जो सारे डोमिनेंट ट्रेट को दिखाया गया है और इस लाइन में जो होता है रिसेसिव ट्रेट को दिखाया गया है। सीड का शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। सीड का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। यानी राउंड जो है आपका डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड क्या है आपका रिसेसिव ट्रेट है। जैसे यहाँ पे स्टेम हाइट टॉल क्या है आपका डोमिनेंट करेक्टर है और ड्वार्फ क्या है रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव ट्रेट है। तो राउंड जो भी जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं उसको हम लोग ऐसा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल आर आर से दिखाएंगे। और जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको हम लोग जो है स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। देखो यहाँ पर राउंड लिखा हुआ है ना, राउंड जो होता है के लिए हम लोग आर आर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिंकल्ड के लिए हम लोग जो होता है स्मॉल आर आर यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह ये जो सीड कलर के आपका येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी होता है। तो डोमिनेंट ट्रेट के लिए हम लोग ऐसा कैपिटल वाई वाई यूज़ करेंगे और ग्रीन के लिए जो होता है हम लोग जी यूज़ नहीं करते हैं, स्मॉल वाई वाई यूज़ करते हैं। उसी तरह से टॉल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल टी टी। और ड्वार्फ के लिए हम लोग ऐसा डी नहीं यूज़ करते हैं, स्मॉल टी टी यूज़ करते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट पे हम लोग आते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट वेयर परफॉर्म्ड इन थ्री स्टेजेस, सेलेक्शन ऑफ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए तो सबसे पहले उन्होंने क्या प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट का है सो चुनाव किया और फिर उन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स का है सो हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और फिर जो होता है F1 जनरेशन मिला तो आपके F2 जनरेशन मिलते हैं। ट्रू ब्रीड लाइन क्या होता है, ट्रू ब्रीड लाइन जो होता है एग्जाम में आपका पूछता है ट्रू ब्रीड लाइन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ए ट्रू ब्रीड लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉर सेवरल जनरेशन। मेंडल्स जो आपका पेरेंटल प्लांट खोज रहे थे वो हमेशा ट्रू ब्रीड होना चाहिए, यानी हमेशा प्योर होना चाहिए। इसका मतलब है वो होमोजाइगस होना चाहिए और प्योर होना चाहिए और ट्रू ब्रीड होना चाहिए। तो ट्रू ब्रीड को आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए कोई वाइट फ्लावर्ड प्लांट है तो उसको हम वाइट फ्लावर्ड प्लांट से ही क्रॉस करवाते हैं, तो आने वाला जनरेशन में आपको जो होता है वाइट कलर्ड फ्लावर ही वाले पौधे मिलेंगे। जैसे एक टॉल प्लांट है तो उसको हम ऐसे टॉल प्लांट से ही क्रॉस करवाते हैं, इनब्रीडिंग करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। यानी टॉल का है सो क्रॉसिंग आप टॉल के साथ ही करवाओगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे, इनब्रीडिंग करवाओगे, तो उससे क्या होता है इन फ्यूचर जो होता है टॉल प्लांट ही आपको मिलेंगे, प्योर टॉल प्लांट ही मिलेगा, प्योर होमोजाइगस ही मिलेगा। तो प्योर होमोजाइगस आपका ट्रू ब्रीड कहलाता है। तो मेंडल के पास जो होता है 14 है सो ट्रू ब्रीड थे, ये सब क्या है आपके ट्रू ब्रीड है, राउंड राउंड एकदम कैपिटल आर आर, रिंकल्ड स्मॉल आर आर, ये सब क्या है होमोजाइगस है और है सो ट्रू ब्रीड है। तो इस तरह जो होता है 14 ट्रू ब्रीड यानी 7 पेयर ऑफ है सो उनके पास ट्रू ब्रीड थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन वन करेक्टर। यहाँ पी प्लांट के फ्लावर को है सो दिखाया गया है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन हमको क्रॉस करवाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन है जो एंथर्स है उसको हटा देंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसलिए जो होता है हम लोग ऐसे क्या करेंगे एक प्रोसेस है जिसका नाम है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर्स। जब फ्लावर बर्ड कंडीशंस में होता है तब हम लोग क्या करते हैं एंथर्स को हटा देते हैं, इस प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं। ये जैक बोर्ड में भी पूछता है तो इसको इस पर ध्यान देंगे आप लोग, इमास्कुलेशन क्या है रिमूवल ऑफ एंथर है। तो यहाँ एंथर्स हट गया, अब फ्लावर अब है सो जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन है वहाँ पर है सो हम इसे छिड़काव कर देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, रिजल्ट मिला उसको ग्रो कर देंगे। तो दीज आर द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये है क्या है आपका टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जेनेटिक्स क्या है,
जेनेटिक्स जेनेटिकल टर्म को है सो समझा, और आगे जो होता है हम लोग ऐसे मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 20 नंबर है, 20 नंबर के प्रश्न जो होता है इस टॉपिक से आते हैं, इसलिए इस टॉपिक और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ मतलब लेक्चर को स्किप कर जाए, दूसरा है सो फिर हमको समझ में आने लगे, ऐसा नहीं है। तो कंटिन्यूटी ज़रूरी है, वेटेज ज़्यादा है, एक एक चीज़ को समझेंगे, जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर हमको आगे वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो तब तक आप लोग इसे रिवाइज़ करते रहें। थैंक यू।